आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। चुनावी मोड में कांग्रेस, राजस्थान समेत 3 राज्यों के प्रभारी बदले। बीजेपी भी जल्द बदल सकती है दिल्ली समेत आधे राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस ने हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल को हटाया, शक्ति सिंह गोहिल नए प्रभारी बनाए गए। कोलंबिया में लैंडस्लाइड, आज बच्चों समेत 34 की मौत, बस मिट्टी में दबी। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा ब्राजील, साउथ कोरिया को 4-1 से हराया। ₹446 करोड़ कमाने वाली अंतारा की तुलना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। आगरा में मंटोला पुलिस 6 दिसंबर को लेकर अलर्ट दिख रही है। जानकारी के मुताबिक बाबरी मस्जिद राम मंदिर प्रकरण को लेकर ब्लैक डे के रूप में 6 दिसंबर मनाया जाता है और सड़कों पर उतर कर लोग नमाज अदा करते हैं। इसी को लेकर सड़क पर नमाज अदा न करने की पुलिस ने लोगों से अपील की है। वहीं पुलिस द्वारा 40 लोगों को पाबंद नोटिस जारी कर दिया गया है। 6 दिसंबर को यहाँ पर ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं और पिछले 2 साल से कोविड था तो नहीं मनाया गया था। इस साल हमें सूचना मिली थी कि सभी लोग मस्जिद के बाहर नमाज बनाने के लिए कुछ प्लानिंग की जा रही है, तो हमने पीस कमेटी की मीटिंग की, उसमें सभी लोगों को नोटिस शामिल कराए गए और उनसे अपील की गई है कि नमाज मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाए, सड़क पर कोई नमाज ना पढ़ी जाए। और वो लोगों ने इस बात के लिए हमसे माना भी है, हमारी बात मान भी रहे हैं। कानपुर नगर में नगर निगम निर्वाचन नामावली 2022 बनाने में लापरवाही सामने आई है। बता दें, एक ही घर और एक ही मोहल्ले के पते पर लगभग 36 मतदाताओं के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद से नामावली लगाए गए कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक यह कोई नया मामला नहीं है, पिछले चुनावों में भी इसी तरह की धांधली की गई थी और उच्च अधिकारियों ने अनदेखी कर दी थी। मथुरा में पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। जानकारी के मुताबिक 6 दिसंबर को हिंदूवादी नेताओं और संगठनों ने जन्मभूमि और ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से भी श्री कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह के आसपास के क्षेत्र को 2 सुपर जोन में और 4 जोन और 8 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। सुरक्षा के मद्देनजर आगरा जोन के करीब 1260 जवानों को तैनात किया गया है। वहीं कृष्ण जन्म स्थान और ईदगाह की तरफ जाने वाले वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है, केवल इमरजेंसी वाहन को निकलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में ड्यूटियां लगा के चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सिविल पुलिस, पीएसी तथा ट्रैफिक के डिप्लॉयमेंट है, साथ ही साथ हमारी इंटेलिजेंस की टीमें भी इसमें लगी हुई हैं। मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी भी साथ ही साथ इसमें लगी हुई है। जनपद में धारा 144 लगी हुई है। कोई भी ऐसा आयोजन नहीं होने दिया जाएगा जिसकी पूर्व से प्रशासनिक अनुमति नहीं है। बुलंदशहर में 2003 से इंडियन आर्मी में अपनी सेवा देने के बाद रिटायर्ड होकर घर लौटे जवानों का फूल माला पहनाकर लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही लोगों ने डीजे के साथ और भारत माता की जय बोलते हुए जवानों के साथ रोड शो निकाला। बता दें, लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जयघोष के साथ रोड शो निकाला।
हमीरपुर में मौदाहा व सुमेरपुर कस्बे में मनमानी ढंग से संचालित दुकानों व संस्थानों पर प्रशासनिक चाबुक चला है। बता दें सीजीएसटी टीम ने दुकानों पर छापेमारी की है और जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर दुकानों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही छापेमारी के दौरान कई दुकानों में ताले लगे मिले। मुझे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। मैं अपनी टीम के साथ यहाँ पर आया और जांच और सर्वेक्षण किया। अब अपनी रिपोर्ट मैं उन्हें प्रस्तुत कर दूंगा। और मुझे आपकी जांच में क्या गड़बड़ियाँ पाई? अभी ये अभी ये कुछ भी नहीं बताया जा सकता बिना परीक्षा। अभिलेख और ये हार्ड डिस्क वगैरह क्या लेके? ये अभिलेख हमने जब्त किया है। जो औरैया के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बीए की पढ़ाई कर रही छात्रा ने खौफनाक कदम उठाया और मौत को गले लगा लिया। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया था और ये देख किराए पर रह रही दूसरी छात्रा ने उसके घर वालों को सूचना दे दी, जिसके बाद बदनामी और डर से छात्रा ने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी लगने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे के दरवाजे को तोड़कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। कल दिनांक 4 दिसंबर 2022 को रात्रि करीब 11 बजे टेलीफोनिक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ककराही जो दिव्यापुर थाना अंतर्गत है में एक 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तत्काल दिव्यापुर थाना पुलिस और उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से साक्ष्य संकलन किए गए और पंचायतनामा व पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई है। वही रात में मेरे पास फोन गया, लड़की ने फोन करा किराएदार ने, ऐसे ऐसे ये दोनों अंदर हैं। फिर उसके तना दरवाज़ा तोड़ा, उसने दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकला और लड़का बाहर निकल गया, लड़की ने अंदर जाकर फांसी ले ली। फिर लड़की ने मेरे पास फोन करा कि इसने फांसी लगा ली। उसने मारने की धमकी दी कि घर का नाम है, मैं आके तुझे मार दूँगा आके। वो जो किराए पर लड़की रहती और हमारी सास को धमकी दी कि हम दोनों को मार देंगे कल ला के। आप कहाँ गई देखिए? हम दिल्ली गए हुए थे, हमारी बहू के कलम पैदावार होने को थी। गोंडा में आशा बहुएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ेगी कुपाल में आशा कर्मचारियों को 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे आशा बहुएं नाराज होकर धरना दे रही हैं। आशा बहुओं का कहना है कि कई बार मीटिंग की गई लेकिन इस मामले का कोई हल नहीं निकला। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर इलाके में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने फ्लैग मार्च निकाला और खुर्जा कोतवाली नगर इलाके के संवेदनशील व अति संवेदनशील क्षेत्रों का एसएसपी ने फोर्स के साथ निरीक्षण किया। बता दें कि फ्लैग मार्च के दौरान एसपी देहात बजरंग बली एवं खुर्जा सीओ दिलीप सिंह के साथ शहर कोतवाल धर्मेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे। गोंडा में मैजापुर रेलवे स्टेशन के पास ग्राम पंचायत बमडेरा के नदई पुरवा के निकट चलती मालगाड़ी में आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में हलचल मच गई। वहीं ग्रामीणों के हल्ला मचाने पर गार्ड ने गाड़ी रुकवाया और ग्रामीणों की मदद से गार्ड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ी घटना होने से बच गई। इसकी सूचना तुरंत ही मैजापुर रेलवे स्टेशन को दी गई, जिससे वहां पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मालगाड़ी को सुरक्षित मैजापुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी कराया। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कासगंज में कादरगंज क्षेत्र में बाइक सवार लोगों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहा दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में इलाज के लिए राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।
सच साहस सरोकार।